नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। भीमा कोरेगांव मामला, गौतम नवलखा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। यूपी पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मिले 1 करोड़ रुपए मुआवजा। COVID-19 अस्पताल में आग पर अदालत ने गुजरात सरकार को लिया आड़े हाथ। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटे में करीब 3.5 लाख नए मामले, एक दिन में रिकॉर्ड 4,205 मरीजों की मौत। और आखिर में मानवाधिकार संगठनों ने अफगानिस्तान में जारी रक्तपात की निंदा की। भीमा कोरे गांव केस में गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। गौतम नवलखा ने बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 19 फरवरी को शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था, उसे विशेष अदालत के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध नवलखा की अपील पर सुनवाई की। पुलिस के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं ने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद की बैठक में कथित रूप से उत्तेजक और भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे अगले दिन जिले के कोरेगांव भीमा में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने यह आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम को कुछ माओवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जाँच कर रही है। नवलखा ने विशेष NIA अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। विशेष NIA अदालत ने 12 जुलाई 2020 को संबंधित जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान यूपी पंचायत चुनाव बड़े जोरों से हुआ था, जिसके कारण ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए और कई कोरोना के कारण मारे गए। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यूपी पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय कोरोना संक्रमण से मारे गए कर्मचारियों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इन कर्मचारियों को 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य था। राज्य चुनाव आयोग और सरकार मुआवजे की राशि पर फिर से विचार करे। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार से को कहा कि वह मुआवजे की घोषित राशि वापस ले ले। यूपी सरकार ने इससे पहले हाईकोर्ट को बताया था कि वह मारे गए कर्मचारियों को 35 लाख रुपए दे रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह राशि बहुत कम है, इससे कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार यानी 12 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,48,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 4,205 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 3,55,338 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 11,122 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई है, जिनमें से अब तक 2,54,197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 83.04% हो गई है, यानी कोरोना से पीड़ित 1,93,82,642 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 37,04,99 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 17,52,35,991 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 24,46,674 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने भरूच जिले में पिछले दिनों एक COVID-19 अस्पताल में आग लगने की घटना पर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह चौकसी में ढिलाई बरतने और ऐसी घटनाओं को टालने में नाकाम रहने के कारण अवमानना की दोषी है। अदालत ने इस संबंध में अपने पूर्व में पारित कई आदेशों का उल्लेख किया। अदालत की एक खंडपीठ ने महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी के इस जवाब पर हैरानी जताई कि एक ट्रस्ट द्वारा संचालित भरूच वेलफेयर अस्पताल में COVID-19 केंद्र को प्राधिकारियों को सूचित किए बिना गुपचुप तरीके से स्थापित किया गया था। 1 मई को इस केंद्र में आग लगने की घटना में 18 लोग मारे गए थे,
जिनमें से 16 मरीज और 2 नर्सें थीं। न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश भार्गव डी कारिया की पीठ ने कहा कि विनाशकारी आग लगने की घटना के लिए किसी की तो जवाबदेही तय करनी होगी। और आखिर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई संगठनों ने पश्चिम काबुल और जबुल प्रांत में हाल ही में हुए 2 बम हमले की निंदा की है, जिसमें कम से कम 80 लोग मारे गए हैं और 150 से अधिक घायल हो गए हैं। इन संगठनों ने कहा कि इस जानलेवा हमले से विश्व को जागृत होना चाहिए। अफगानिस्तान में नागरिक एक ही समय में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हेल्थ केयर संकट और राजनीतिक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हैं। पिछले साल संघर्ष में कम से कम 920 नागरिकों ने अपनी जान दे दी। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 2021 के पहले 3 महीनों में अन्य 573 नागरिक मारे गए थे। 8 मई को पश्चिम काबुल के दश्त ए बारची क्षेत्र में एक विस्फोट में 60 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश लड़कियां राष्ट्रीय राजधानी के सैयद उल शुहादा स्कूल में पढ़ रही थी। इस विस्फोट ने अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 150 लोग घायल भी हुए। काबुल जिले के दश्ते बाराची क्षेत्र में पहले भी ऐसे कई हमले हुए हैं। पिछले साल मई महीने में एक अस्पताल परिसर में घुसे बंदूकधारियों के एक समूह द्वारा अंधाधुंध गोलाबारी में कम से कम 24 लोग मारे गए थे। एक अन्य विस्फोट दक्षिणी अफगानिस्तान के जबुल के शर ए सफा जिले में 9 मई की शाम को हुआ था। तालिबान द्वारा कथित तौर पे सड़क किनारे रखे गए बम से एक यात्री बस के टकराने से कम 11 नागरिक मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए। 10 मई को पुले मुतक क्षेत्र के पास सड़क किनारे रखे बम विस्फोट से परवन प्रांत में 2 और नागरिक मारे गए थे। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.